दोस्तों, मैं मोहम्मद सरफराज, मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। भारत भूगोल सीरीज में हम भारत एक परिचय पढ़ रहे हैं, जिसमें चार लेसन पढ़ाया जा चुका है। अब हमारा अगला लेसन होगा भारत के द्वीप, जिसे हम इसे दो भागों में पढ़ेंगे। एक भाग होगा बंगाल के खाड़ी के द्वीप, अगला भाग होगा अरब सागर के द्वीप। तो आज हम बंगाल के खाड़ी में स्थित द्वीपों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो द्वीप है उसका अध्ययन करेंगे, और कुछ और द्वीप हैं उनका अध्ययन करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 222 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 222 द्वीप हैं। यदि हम पूरे अंडमान निकोबार की बात करें तो कुल 222 द्वीप हैं। इनमें से अंडमान, केवल अंडमान में 204 द्वीप हैं। 204 द्वीप केवल अंडमान द्वीप में हैं। बाकी बचे 18 द्वीप निकोबार में हैं। इस प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 222 द्वीप मुख्य हैं, प्रमुख हैं। इसमें से 204 द्वीप अंडमान निकोबार में हैं, बाकी 18 द्वीप निकोबार में हैं। इसमें से हम कुछ, इनमें से भी कुछ प्रमुख का अध्ययन करेंगे, जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो हम देखते हैं। यहाँ पे हमने चित्रों के माध्यम से सभी को दर्शाया हुआ है। इसमें देखिए उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान के दक्षिण में मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान के दक्षिण में दक्षिणी अंडमान है, और दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में लिटिल अंडमान है। फिर नीचे है निकोबार, कार निकोबार है, कार निकोबार के दक्षिण में लिटिल निकोबार है, लिटिल निकोबार के दक्षिण में ग्रेट निकोबार है। अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। यह प्रश्न था वीडियो 2018 के एग्जाम में कि अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप में 10 डिग्री चैनल है। तो लिटिल अंडमान अगर ये हो गया और ये कार निकोबार हो गया, इसके बीच में ये आपका 10 डिग्री चैनल है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। तो इन दोनों के बीच दूरी कितनी है? तो इन दोनों के बीच कुल 150 किलोमीटर की दूरी है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 150 किलोमीटर की दूरी है। अब हम अलग अलग द्वीप जिसके लिए प्रसिद्ध है उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक ऐसा द्वीप है जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पिक स्थित है। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पिक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। हम उत्तरी अंडमान के दक्षिण में आएंगे तो मध्य अंडमान होता है। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। हम मध्य अंडमान के अगर दक्षिण में आते हैं तो दक्षिणी अंडमान स्थित है। दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो इन सभी द्वीपों में दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दक्षिणी अंडमान, अंडमान में सबसे दक्षिण में लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान के बाद 10 डिग्री चैनल है, फिर कार निकोबार है, कार निकोबार के बाद लिटिल निकोबार है, सबसे दक्षिण में ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु
इंदिरा पॉइंट वह भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो ये अंडमान निकोबार से संबंधित तथ्य हो गए, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हो गए। अब इसमें एक प्रश्न और है, यहाँ पे लिखा हुआ है बांडूर समुद्री जैवमंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व प्रसिद्ध दुर्लभ और बड़े आकार के राबर केकड़ा पाए जाते हैं। यह केकड़ा कहाँ पाए जाते हैं? तो यह अंडमान में केवल द लिटिल अंडमान और पूरे कार निकोबार, अर्थात पूरे अंडमान निकोबार द्वीप में लिटिल अंडमान, उसके बाद नीचे के तीन द्वीप कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। निकोबार में कुल 18 द्वीप है, अर्थात यह 18 द्वीप में पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि राबर केकड़ा कहाँ पाया जाता है? तो राबर केकड़ा कार निकोबार या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे दो द्वीप बने हुए हैं, गंगा सागर द्वीप और न्यू मुरे द्वीप। ऊपर है गंगा सागर द्वीप और न्यू मुरे द्वीप। तो यह कोलकाता की हुगली नदी के तट पे कोलकाता शहर बसा हुआ है। यह हुगली नदी के मुहाने पे है। गंगा सागर द्वीप और न्यू मुरे द्वीप हुगली नदी के मुहाने पे है। उसके नीचे आएंगे तो व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम हाल ही में बदलकर भारत की मिसाइल मैन के नाम पे रखा गया है। उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। व्हीलर द्वीप किस नदी के मुहाने पे है? तो उसका उत्तर है व्हीलर द्वीप ब्राह्मणी नदी के मुहाने पे है। व्हीलर द्वीप किस राज्य के समीप है? तो यह उड़ीसा राज्य के समीप है। जो ब्राह्मणी नदी है वह उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है और मुहाना के सामने ही व्हीलर द्वीप है। अब उसके नीचे आते हैं तो श्री हरिकोटा द्वीप भारत का उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जहां से इसरो अपना मिसाइल प्रक्षेपित करती है। जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में वह श्री हरिकोटा द्वीप से ही भेजे जाते हैं। यहां पे भारत का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, यहां से ही भारत सैटेलाइट भेजता है। हाल ही में भारत ने 104 सैटेलाइट एक साथ भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब उसके नीचे आते हैं तो यहां पे तमिलनाडु में पम्बन द्वीप है। पम्बन द्वीप पे ही रामेश्वरम स्थित है और पम्बन द्वीप का सबसे बाहरी किनारा धनुषकोडी है। धनुषकोडी से श्रीलंका के तलैया मन्यार तक एडम ब्रिज या राम सेतु जाता है। यह एक शिला सागर है जिसे पौराणिक कथाओं में राम सेतु के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे आपको दो छोटे छोटे द्वीप दिख रहे होंगे, तीन। यहाँ पे यह द्वीप है कोको द्वीप म्यांमार का है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच कोको चैनल है। दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। वहां से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी द्वीप है, जहां पे हमेशा लावा निकलते रहते हैं। बैरन द्वीप के उत्तर में नारकोंदन द्वीप है। यह भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी वाला द्वीप है। तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप हो गए। इसके बाद अगला वीडियो आपका होगा अरब सागर में स्थित द्वीप। मैं आपको बता जाता हूं, जो मेरे नए दोस्त हैं वो हमारे चैनल इन लर्निंग विद दुर्गेश को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट हो वो आपके मिल सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करें, यह एक प्रकार से जैसा व्हाट्सएप होता है उसी प्रकार का ऐप है। उसमें आप जाके लिखेंगे दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए लिखेंगे दुर्गेश सर, स्पेस नहीं होगा, लिखेंगे दुर्गेश सर, वहां पे आपको चैनल मिलेगा ई लर्निंग विद दुर्गेश। आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। हमारे संस्था के द्वारा जो भी नोट्स भेजे जाएंगे उसी चैनल पे भेजे जाएंगे। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद।